हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे देश में बढ़ती हुई बीमारी डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जो कि फ्रांसीसी शब्द डिप्रेसर से आई है। इसका अर्थ यह होता है कि किसी की गति को रोक देना। जब भी आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आपकी जो भी कार्य हैं वो आप ठीक से नहीं कर पाते, तो वो रुक जाते हैं, उनकी जो गति है वो रुक जाती है। परंतु हमारे समाज में, हमारे देश में अक्सर जो भी मानसिक रोग होते हैं उन्हें बहुत ही इग्नोर किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके इलाज के लिए तांत्रिकों के पास या जादू टोना करने भी चले जाते हैं, तो उससे ये होता है कि उनकी बीमारी तो ठीक नहीं होती है, परंतु उनकी परेशानी जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वे ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें तो मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत थी और वह इन बेकार की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो सही समय पर यदि इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो यह परेशानी बहुत हद तक कम हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत है कि आप इस परेशानी को समझें, इस बीमारी को समझें, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है। शारीरिक रोगों के लिए तो हम लोग फटाफट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, परंतु मानसिक रोगों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि आने वाले समय में जो है यह एक भयंकर बीमारी का रूप भी ले सकती है। हम बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं छोटी छोटी, जिससे कि हम खुद भी इस बीमारी को अपने आप से दूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए। जो भी आप कर रहे हैं उस पर आप उसके अंदर आप एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द डिप्रेशन पेशेंट्स, बिकॉज उससे होगा यह है कि आपको एक तो मानसिक शांति मिलेगी, दूसरा आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो अच्छा ये है कि आप डॉक्टर के साथ साथ खुद को भी इस चीज़ के लिए तैयार करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, कोई अच्छी सी हॉबी अपनाएं जिसमें कि आप को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। म्यूज़िक है, पेंटिंग है या डांस है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके दृढ़ निश्चय से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ही जल्दी सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद ठीक नहीं होना चाहेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी इस चीज़ के लिए, पॉजिटिव पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। Kindly like, share, subscribe my channel, Deepika Meditation Power, and keep smile, stay fit always. Thank you very much.